मॉड्यूल ट्वेंटी नाइन चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जब हम डिस्कस करते हैं डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को तो उसकी डिमांड की डिटर्मिनेशन में डिफरेंट फैक्टर्स का रोल है उन फैक्टर्स को हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर कैटेगराइज करते हैं या हम उन्हें नॉन इकनॉमिक फैक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं जब हम कहते हैं कि इकनॉमिक फैक्टर्स ये मोस्टली रेफ़र करते हैं उस प्रोडक्ट की प्राइस को यह रेफर करते हैं उससे मिलती जुलती चीजों की प्राइसेस के साथ यह रेफर करता है कि व्हाट इज द कंज्यूमर्स इनकम देखिए जब आप नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करोगे इसमें हम बात करते हैं अबाउट कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हम बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड सेफ्टी हम बात करते हैं लोगों के रहन सहन की फिर साथ साथ और कौन से फैक्टर्स आते हैं इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का भी रोल आता है इसमें एडवर्टाइजिंग का भी रोल आता है ये जो सारे फैक्टर्स हमने लिस्ट किए कि जी पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है लोगों का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लोगों की फूड सेफ्टी के बारे में क्या परसेप्शन है या एटीट्यूड है इन सब फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं दीज आर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स वाइल प्राइस ऑन प्राइस

मेरी है कि जी राइस इज एन आइटम दैट इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू वीट पीपल आर पीपल आर यूजिंग राइस एज अच्यूट ऑफ वीट इफ देर इज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ कि इफ देर इज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ राइस वो क्या करेगा वो आपकी गंदम की डिमांड को भी इफेक्ट करेगा फिर एक और चीज जो है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज आल्सो प्लेइंग सम रोल इन द डिमांड फॉर वीट जब हम बात करते हैं चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इट बेसिकली रेफर्स टू ऑल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या था कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इफ देयर इज एनी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इट हैज सम इंपैक्ट ऑन द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी क्या जी अगर हम बात करें कि इन द पॉपुलेशन ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड

it might be possible there is increase in consumption of milk. so any change in the distribution of the population has some impact on the demand for commodities depending upon the nature of the commodities. what are the requirements of that particular age group? per jabam bhakti attitude towards nutrition and health, पीपल्स एटीट्यूड चेंजेस बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड टूवर्ड न्यूट्रीशन एंड पीपल लोगों को जो अवेयरनेस हुई काज ए समाइपर्स इम्पेक्ट ऑन देर हेल्थ क्या होगा देयर इज डिक्रीज इन स्मोकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर इसी पैटर्न पे अगर मेरी डिमेंड फॉर रेड मीट क्या करे जो बीफ है आपका जी बीफ जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है इट काज इज हार्ट डिजीजे क्या होगा के जी बिकॉज ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पीपल विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ रेड मीट फिर इसी पेट में ये भी कह सकता हूं के जी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी जो हैं आपके नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं लोगों की हेल्थ पे कहां से पता चला ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेडिकल रिसर्च लोगों ने क्या किया अगेन बिकॉज ऑफ सम बिकॉज ऑफ बेड इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल कंसर्न क्या हो जाएगा देअ इज्रीज इन डिमांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स अब जब आप फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं पेस्टिस हर्बीसाइड रेजिड्यूज की क्रॉप में इफ आ क्रॉप कंटेन रेजिड्यूज ऑफ पेस्टिस एंड Herbicides, तो वो क्या करेगा पीपल विल डिक्रीज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी क्या जी अगर मुझे पता हो कि ये जो particular मेरे पास लाइव है, आई विल नॉट प्रेफर टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी अगर मैं यूं बात कर लेता हूं कि मार्केट में दो तरह के मिलते हैं कि दूध की दो क्वालिटीज है मार्केट में एक में क्या है

दैट इज विदउट हारमोन्स आर एनी एनी एंटीबायोटिक्स फिर इसी पैटर्न पर अगर हम लाइफ स्टाइल के रेफरेंस में बात करें कि बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल देअ इज चेंज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम हिस्टोरिकली क्या देखते हैं क्या जी वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वोमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स क्या हुआ कि डिमांड फॉर फास्ट फूड इंक्रीज दिसमेन हैव नो टाइम टू कुक फूड एट देयर होम्स तो किस साइड पे हम लोग चले गए जिकि हमने डिमांड फॉर फास्ट फूड इंक्रीज कर दी फिर इसी पैटर्न पे अगर हम टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में बात करें बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी इट माइट बी पॉसिबल देअ इज डिक्रीज इन हाउस होल्ड फूड प्रेपरेशन के जी आपके पास रेडी टू कुक आइटम्स अवेलेबल हैं आप क्या कर रहे हो क्या जी हम वो हैसल ही नहीं करना चाह रहे कि जो घर पे पकाने में आपको करना पड़ती है विद द बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी देयर इज चेंज इन प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर अब अगर हम बात करें अब और जो बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस को इफेक्ट करते हैं उसमें एडवर्टाइजिंग भी आती है के बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन इट माइट बी पॉसिबल देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फूड एंड लाइफ स्टॉक क्या जैसे हमने बात की कि अगर मेरे पास एडवर्टीजमेंट कुछ इस पैटर्न पे आ रही है कि जी ऑर्गेनिक फूड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ वाइल इन ऑर्गेनिक फूड हैज़ एडवर्स इंपैक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ़ द पीपल तो हम क्या करेंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग वी विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फोर्डेबल फॉर मी हाँ जी आप एडवरटाइजिंग क्या जी एडवर्टाइजिंग क्या है एक बहुत बड़ा आप कह लें इंफ्लुसर है इन द मार्केट जो लोगों को मोटिवेट करता है टू कंज्यूम अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कमोडिटी फिर हम बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या हुआ देयर इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर पैक्ड फूड क्या जी अगर एडवरटाइज हो रहा है पैक्ड फूड इज गुड फॉर हेल्थ पैक्ड फूड इज रेडी टू कुक इजी टू कुक तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट इंफ्लुएंस पीपल विल मूव दी पैक्ड फूड आइटम्स फिर इसी पैटर्न पे जी डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी क्यों इंक्रीज हो रहा है अगेन फैक्टर क्या है एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग भी कुछ रोल प्ले करेगा एट द सेम टाइम सम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल इंपैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड ऑन हेल्थ ऑफ पीपल फिर जब हम बात करते हैं कि जी अगर मुझे पता हो कि दिस इज दी दिस इज द्वि दिस इज द मिल्क दैट इज फ्री ऑफ हारमोन्स दे जी मार्केट में क्या है कोई पांच सात ब्रांड्स के मिल्क मार्केट में अवेलेबल बट देर इज ओनली वन मिल्क दैट क्लेम्स दिस इज हार्मोनल फ्री मिल्क मुझे कहां से अवेयरनेस आएगी अगेन फ्रॉम एडवर्टीजमेंट बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन मैं क्या करूंगा आई विल ट्राई टू बाय मिल्क दैट इज फ्री टू हारमोन के इनफैक्ट ये जितने भी आप कह लें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ये कुछ ना कुछ एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करेंगे और इन, in, जी, भी साथ में आ रही है आपकी एडवर्टाइजिंग भी साथ में हो रही है इट माइट बी पॉसिबल कि जी हेल्थ सेफ्टी कुछ कौन आपको मोटिवेट करे और आपकी जो एडवर्टाइजिंग वो आपको कुछ दूसरे एंड पे ले जाए तो इट माइट भी पॉसिबल इट विल क्रिएट सर्टन टाइप ऑफ दूजन अमंग Consumers and rational consumer, kya karta? It always makes decision on the basis of available information. wo rational consumer, kya karega? He will choose only that particular combination, only demand for that particular commodity that will maximize his satisfaction. Thank you very much.